About to leave, already packing. Come with me. पिछले बार के मुकाबले इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा नोटिस मिला जॉइनिंग का, 3-4 दिन के ऊपर मिला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट टाइम तो मुझे फ्राइडे इवनिंग को कॉल आया था और 2 घंटे मुझे मुंबई निकलना पड़ा, बट पैक करके रेडी था। तो आइडियली जब भी आप अपनी अवेलेबिलिटी देते हो उस डेट के अराउंड में आपको पैक करके रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि शिपिंग कंपनी में किसी भी बात का कोई भी भरोसा नहीं है। सूटकेस निकल गए, लेट्स पैक इट। हर बार पैकिंग करते टाइम मुझे एक ही प्रॉब्लम होती है ये डिसाइड करने में कि कपड़े कितने और कौन कौन से लेके जाने। तो मोस्टली आइडिया ये रहता है कि ऐसे कपड़े लो जो ज्यादा देर तक आप पहन के कंफर्टेबल रह सकते हो, क्योंकि मेरे पास कैमरा गियर भी बहुत कुछ रहता है तो मैं एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना चाहता। मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 से 4 महीने का, तो मेरे लिए मुझे लगता है 4 to 5 pair ठीक है। अब गाड़ी और बाइक को लॉन्ग स्टोरेज करने का टाइम आ चुका है। पहला स्टेप ये है कि इस गाड़ी को लेके जाओ, इसमें फ्यूल फुल भरवाओ, अगर फ्यूल स्टेबलाइजर मिलता है तो वो भी फ्यूल के अंदर डाल देंगे। लास्ट ड्राइव इस BMW में शिप से आने से पहले, 4 महीने कोई लंबा पीरियड नहीं होता, गाड़ी बड़े आराम से रहेगी, बट मैं फिर भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पेशेंस है, टाइम है, एनर्जी है, इतनी अच्छी अपनी न्यू कार है, तो जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर लेते हैं, क्या जाता है। ऑन द वे मुझे तलाश थी टोबैको शॉप की। टोबैको किसी भी तरीके का हानिकारक होता है, खाइए मत, यूज मत करिए। तंबाकू के पैकेट दे दीजिए, कोई भी चलेगा। पता नहीं लोग इसको खाते कैसे, देखने में इतना गंदा लग रहा है। चलो अपना तो काम कुछ और है। फ्यूल फुल कर दिया है मैंने लॉन्ग स्टोरेज के लिए। और अब मैंने इसको पूरा अच्छे से वॉश कर दिया है, ड्राई कर दिया है, और ज्यादा क्लीनिंग की भी मुझे कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरा जो कवर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है। न्यूज़पेपर रखी हो क्या? हाँ। दे दो, किधर रखी हो? हाँ, स्टेयर केस के नीचे मिल गया मुझे, इतना स्मार्ट है, रखा था उसने। ओके, ये वाइपर्स में रबर होता है, आई एम श्योर सबको पता ही है, तो इनकी लाइफ होती है, फिक्स होती है। अभी क्योंकि लंबा पार्क करने वाले पूरा टाइम ऐसे शीशे पे लगा रहेगा, तो अगर मैं इसमें गैप करूंगा तो इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये तंबाकू इसकी स्मेल बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये रोडेंट को दूर रखता है, तो मैं इंजन बे में 2-3 जगह पे रखने वाला हूँ। वैसे मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे कोई रोडेंट वगैरह का कोई इशू है नहीं, बट जस्ट इन केस प्रिकॉशन। तो यहाँ पे 6 pieces टोबैको जिसमें से कि 4 मैंने लटका दिए हैं ऑल कॉर्नर्स इंजिन, 3-4 और 2 बॉटम में टोटल 6। गाड़ी में से कोई भी नॉन एसेंशियल चीजें, अनवांटेड चीजें आप निकाल के गाड़ी को अंदर से भी क्लीन कर दीजिए। अंदर की क्लीनिंग मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी, मोस्ट ऑफ द चीजें मैं निकाल चुका हूँ। बेबी की कार सीट निकाल के घर में रख देते हैं। कुशन को मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि कुशन आर सॉफ्ट, दे प्रोबेबली विल एब्जॉर्ब सम मॉइस्चर। बेबी सीट चल भाई, घर में रहना तुझे अभी। ये निकाल दिया है, रंजना की न्यू गाड़ी क्विड आएगी ना, तो उसमें यूज कर सकते हैं, मस्ती चलू इधर। ये सनसेट्स मैनुअल है, मेरा कवर काफी अच्छा है, सनलाइट प्रूफ, ये प्रूफ तो मुझे जरूरत नहीं है, बेटर इसको रिट्रैक्ट करके रखते हैं इस पोजीशन में। आई थिंक रिट्रैक्ट करके रखना बेटर है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये पीछे वाले सनसेट का टेंशन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका तो मोटर है, तो इट कैन बी इन एनी पोजिशन, सो लेट इट बी एज इट इज। इसमें अपने बैटरीज हैं, अननेसेसरी बैटरी, कोई जरूरत नहीं है, इस रिमोट को भी गाड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेन चीज, BMW वालों ने जो रिकमेंड किया था कि आपको बैटरी को चार्जर पे रखना है मेन, बस एक ही प्रिकॉशन उन्होंने बोला था, बाकी उन्होंने तो बोला था कि आप ऐसे कैसे रख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। TPH कवर वालों को कवर बनाने का बहुत शौक है, तो उनके बैग को मैंने बैटरी चार्जर, छोटा सा बैग दिया था, बैटरी चार्जर रखने के लिए यूज कर लिया है। एग्जॉस्ट के ब्लॉक्स लकड़ी से खुद बनाए थे, लेफ्ट वाला है तो यहाँ लग जा भाई। गाड़ी में इतने अच्छे मटेरियल यूज हो, कि इंटीरियर का तो आपको कुछ करना नहीं है, एक्चुअली कहीं भी कुछ नहीं करना है, मगर अंदर मॉइस्चर हो सकता है और लेदर की सीट से है तो उसमें फंगस वगैरह लग सकता है, क्योंकि ये गाड़ी पार्क रहने वाली है ठंडी के टाइम पे और थोड़ी सी गर्मी के टाइम पे, किसी रीजन से मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो गया तो
तो दो बैग इंटीरियर में रख देते हैं। एब्जॉर्बिया मॉइस्चर एब्जॉर्बर प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय ह्यूमिडिटी। अब जब मैं वापस आऊंगा और तीन चार महीने बाद जो भी है, और तब इनकी कंडीशन चेक करी जाएगी और उससे पता चलेगा कि ये कितने चाहिए थे या इसकी जरूरत थी भी कि नहीं। तो अभी तो मैं बस सिर्फ लगा रहा हूँ। ये जो एब्जॉर्बेंट वाली साइड है इसको बाहर रहना चाहिए, सो दैट एटमॉस्फेयर इसके, यू नो व्हाट आई मीन। हैंगिंग का तो कोई इशू है नहीं गाड़ी में, हैंगिंग की जगह तो दी हुई है इन्होंने। ये पता नहीं क्या कोट वोट कुछ तो हैंग करने की जगह है। चल भाई तू ये बात में। लॉन्ग पीरियड के लिए पार्किंग ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ मैं, इनफैक्ट कुछ चोक्स लगाऊंगा टायर पे। गाड़ी में जितने भी वेंट्स हैं वो उन सबको मैं क्लोज कर रहा हूँ बेसिकली, ताकि बाहर का एटमॉस्फेयर अंदर ना आए। जो जो करते जा रहे हो लिखते भी जाओ। ओके, इसमें मैं जितनी सारी चीजें लिख रहा हूँ सब लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे दिख जाएगी। मगर मेरे एब्सेंस में कोई इमरजेंसी आती है या कुछ भी होता है जिसमें कि किसी और को मेरी गाड़ी को एक्सेस करना पड़े, तो ये पेपर रहेगा एकदम सामने, सो ही विल नो क्या क्या चीजें इस गाड़ी में करके बंदा सिक्योर करके गया हुआ है फॉर सेफ्टी पर्पस। टायर बहुत दिन तक स्टोर करने पे क्या होता है कि सेम सरफेस जमीन पे लगा रहता है और वहाँ पे फ्लैट स्पॉट्स वगैरह बनते हैं। मगर मेरा रन फ्लैट टायर है, रन फ्लैट में क्या होता है कि साइड वाला बहुत ही थिक होता है और इसमें वो सब इतना प्रॉब्लम है नहीं। मगर फिर भी इट्स अ गुड आइडिया, जो भी आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर है टायर का उससे आप 4-5 PSI एक्स्ट्रा डाल के जाइए, ताकि टायर उतना टाइट रहेगा, उतना कम सरफेस कॉन्टेक्ट में रहेगा और टायर के खराब होने का चांस उतना कम हो जाएगा। बूट में भी कोई फालतू चीज होनी चाहिए, और बूट थोड़ा सा गंदा है तो इसको हम मार देंगे, वैक्यूम मार के क्लीन विन कर देते अभी। और ये अपना टेम्परेरी शॉर्ट पीरियड वाला कवर भी है, इसको भी सिक्योर कर देता हूँ। मेरी गाड़ी का फुल लोड आगे का प्रेशर होता है 36, तो मैं 4 PSI ऐड करके उसको 40 कर दूंगा, और पीछे का फुल लोड का मेरा प्रेशर होता है 39, तो उसमें भी मैं 4 PSI ऐड करके 43 PSI कर दूंगा। सो आगे हमें करना है 40, पीछे करना है 43। एंड टायर प्रेशर चारों होने के बाद दैट कंक्लूड्स। अब मुझे गाड़ी को अनलॉक करने की या बूट या बोनेट कुछ भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में कोई भी सामान नहीं है, गाड़ी क्लियर है, मॉइस्चर का भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है, चूहे का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, हर तरफ से ओपनिंग्स वगैरह को शट कर दिया गया है। लास्ट काम रहता है कवर लगाना, अपना हाई क्वालिटी का TPH कवर। अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो उस कवर के लिए एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। आ गई बारी अपने ब्यूटीफुल हाई क्वालिटी रोमेनाइट TPH कवर को लगाने की। क्या रहता है यार, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है इसमें। अरे केबल कहाँ गया, केबल कहाँ गया, हाँ यहाँ लटक रहा है। रंजना को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ से चार्जर कनेक्ट करने को, वो भी करके चेक कर लेते हैं। हाँ तुम फ्री हो ना, थोड़ा आ जाओ इधर 5 मिनट, तुम्हें समझा देता हूँ 15-20 दिन में गाड़ी का चार्जर कैसे लगाना है और क्या करना है। वैसे तो वीडियो बन रहा है, कुछ भूल गई तो वीडियो ही देखना यूट्यूब पे वापस से। देखो ये जो कार बना हुआ है चार्ज बना हुआ है, चार्जर लगाने के पहले फर्स्ट स्टेप स्विच इट ऑन। हाँ ठीक है, अभी गाड़ी पूरी सिक्योर्ड है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ इस चार्जर को कनेक्ट करके ऑन कर देना है। यहाँ देखो नीचे गाड़ी का कवर ओवर, तुम्हें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लटकता रहेगा, सब कुछ कनेक्टेड है, तुम्हें ये कनेक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली ये इसका लॉकिंग है, ये लॉकिंग है, लॉकिंग और ये मैच करना चाहिए, दूसरी साइड से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। जाएगा ये प्लग सीधा, ठीक है इसको डाल दो, चार्जर यहाँ पड़ा रहेगा। ऑल वी हैव टू डू इज अब तुम्हें इस चार्जर को ऑन रखना है जब तक ये 7 वाली लाइट न जाए, जब 7 वाली लाइट जल जाए तो फिर निकाल दो, 15-20 दिन में तुम्हें ये काम करना है। इतना अंडरस्टूड, होप यू विल बी एबल टू डू। इफ यू फॉरगेट वॉच माय वीडियो अगेन एंड अगेन, इंक्रीज द व्यूज। जब आपके पास हो इतना अच्छा वर्कशॉप और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज मार्क चीजें, तो आप कभी भी किसी चीज में गलत जाने का बहुत कम बचता है। सारी चीजों को मैं इसी बैग में रख दूंगा, आऊंगा सबकी सब ऐसी की ऐसी मुझे इसी में मिल जाएगी, और वापस से जो किया उसका उल्टा काम करेंगे ये। चलो नेक्स्ट टाइम एक एक्स्ट्रा रह गया, रेनी सीजन में आई थिंक 3 डालना चाहिए। अभी
ऐसा है कि बाइक बहुत दिन से खड़ी है तो बैटरी वैटरी फुल चार्ज हो जाए, एक राइड कर लेते हैं। लास्ट राइड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, तो रंजना और मैं बाइक राइड पे जा रहे हैं और बाइक राइड करेंगे, टैंक को फुल करेंगे, उसके बाद क्लीन व्लीन करके सिक्योर। पैकेट में कैमरा लगा के आई डिडंट वांटेड टू माउंट एनीथिंग ऑन माय शोई हेलमेट, मगर फाइनली मैंने कर लिया है। ये मतलब कुछ चिपकाया नहीं है, इट कैन बी रिमूव्ड आल्सो अगर नहीं चाहिए तो, मगर अभी आपको स्टडी शॉट मिलेंगे। सुपर वाइड व्यू कर लिया मैंने 4K, और ऑडियो माइक भी अब हेलमेट के अंदर आ गया, सेना का ओरिजिनल माइक मैं यूजिंग, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। थोड़े दिन खड़ी थी बैटरी, जो भी चार्ज वार्ज हो जाए, वैसे तो अपने पास ट्रिकल चार्जर भी है, लेकिन अगर ऑप्शन है अपने पास राइड करके बैटरी को चार्ज करने का तो व्हाई नॉट टेक दैट ऑप्शन। बस हो गया। किसी ने मुझसे पूछा कि अरे आप तो शिप पे जाओगे सेलिंग करने, फिर आप BMW को मिस करोगे, आप भूसा को मिस करोगे। मैं बोला अबे यार शिप पे जाता हूँ इसीलिए तो ये सब है मेरे पास। एनीवे ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपन जहाज पे भी एंजॉय करते और यहाँ भी एंजॉय करते हैं, पूरी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है यार, बोलूँगा तो कंपनी वाले बोलेंगे कि जहाज पे काम नहीं करता, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा वेकेशन चालू रहता है और जहाज पे हो जाता है मेरा पेड वेकेशन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरा काम काम नहीं है, मेरा पैशन है, आई लव व्हाट आई डू, मुझे वो सब करने में भी बहुत मज़ा आता है। और मज़े की बात है, जिस शिप पे मैं जा रहा हूँ उस कैप्टन से भी मेरा कॉन्टैक्ट हो गया, उसका नंबर मुझे मिल गया था। कैप्टन ने मुझे अप्रिशिएट किया, ही हैज सीन सम ऑफ माई वीडियोज, सो वी काइंड ऑफ नो इच अदर ऑलरेडी। बता दिया नया जहाज है, मस्त है, इंटरनेट जिम अच्छा है, चार्टर अच्छा है, रन अच्छा है, ब्राज़ील में ज्वाइनिंग है, तो भाई इससे बेटर और क्या हो सकता है। विंटर का टाइम है, बज रहे शाम के 4:30, प्लान हमारा है 1 घंटे के अंदर वापस आने का। व्लॉगिंग स्वीटहर्ट, व्लॉगिंग, टॉकिंग टू कैमरा, यस हो गया अभी नाउ आई कैन टॉक टू यू, आई एम डन। मेरा प्लान है वो रेलवे ट्रैक वाली जगह तक जाने का। खींच लो, ट्रैफिक आ गया, सेफ रहना चाहिए, वाइफ बैठी है यार, अकेले तो फिर यू कैन डू दैट, वाइफ के साथ भी इट इज़ ओके, बेबी नहीं है तो वी कैन स्टिल गो फास्ट एंड हैव फन। 160 उड़ गई। ओके चलो भाई, डर लग जाएगा इसको, अगली बार आएगी नहीं। प्लान तो था कि थोड़ा और डे लाइट में वापस आए, मगर घूमते फिरते सैंडविच खाते ऐसा लेट हो गया, अंधेरा हो रहा है, बट bike in the house? Yes, bike is gonna be in the house. Ideally, we should remove both connections. So this time we are gonna remove both connections. Not required, but it is here, extra secure. Helmet se bhi bahut pyar hai bhai. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए, स्टे फिट, जय हिंद, और मैं आता हूँ सेलिंग करके 4 महीने बाद। बीच में मौके मिलेंगे, ऑफ कोर्स वीडियो आते रहेंगे।